बीजेपी की सत्ता में रहने के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से 6 साल तक सांसद बने रहने के पूरे होने पर बीजेपी के प्रतिनिधियों ने जनता के बीच जनता के लिए किए कार्यों और उनकी उपलब्धियों के बखान की चिट्ठियां बंटवाई। लेकिन सपा के कार्यकर्ता रविकांत विश्वकर्मा ने इस कोरोना महामारी के दौरान भुखमरी और पैसे की कमी से जूझ रहे प्रदेश को प्रधानमंत्री को चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से देने के लिए उत्साहित किया। प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल के 1 साल की उपलब्धियों के चिट्ठी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय जनता से प्रधानमंत्री के लिए पत्र लिखवाया। लक्सा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा के नेतृत्व में स्थानीय जनता ने पत्र के जवाब में पत्र लिखा। इस संबंध में पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री के किए गए काम के बखान के पत्र के विरोध में कोरोना से जूझते लोगों ने पीएम के नाम चिट्ठी लिखी है, जिसमें अपनी परेशानियों को साझा किया है। आज किस तरह का पत्र किनको दे रही हैं, किन वजहों से? जी, हम लोग ये पत्र नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं, क्योंकि इस समय कोरोना की वजह से हर पब्लिक बहुत परेशान है और आम जनता तो सबसे ज़्यादा परेशान है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की स्कूल की फीस माफ़ हो, जो गृह कर आता है, जल कर आता है, बिजली का बिल आता है, ये सारे में माफ़ी हमको मिलनी चाहिए। इस समय हम ये सब जमा नहीं कर पाएंगे। तो इस समय भाजपा भी एक पत्र लोगों के घरों तक पहुंचा रही है, तो उनके जवाब में आप ये पत्र उनको तक पहुंचा रही हैं? जी, क्या? यही कि हमें भी हर चीज़ से थोड़ा सा राहत मिले, क्योंकि इस समय हर जनता 2-3 महीने से घर में ही बैठा है, कोई कुछ कर तो पा नहीं रहा है, पैसे आमदनी कहीं से आ नहीं रहे हैं, आमदनी का कोई जरिया इस समय नहीं है, तो हम बिल कहाँ से जमा करेंगे? बिल माफ़ी के लिए हमने ये मोदी जी तक आपका पत्र जाए? जी बिल्कुल चाहते हैं, एकदम चाहते हैं। ये हम सब जनता लोगों का जितना भी पत्र है वो मोदी जी तक जाए और वो हमारी बातों को समझे। इन चिट्ठियों को इकट्ठा कर लिया गया है और इसे प्रधानमंत्री कार्यालय भिजवाया जाएगा। रविकांत विश्वकर्मा के मुताबिक इस चिट्ठी में वैश्विक महामारी कोरोना से गुजरे हर गरीब मिडिल क्लास निवासी का दर्द है। वाराणसी से ज्यादातर लोग भुखमरी की कगार पर हैं। स्कूल की फीस उनके लिए परेशानी का सबब बन गई है। आम जनता का पत्र संग्रह कर रहे हैं, क्योंकि इधर बीच पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के जनप्रतिनिधियों द्वारा देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पत्र वितरित किया जा रहा है। उस पत्र में प्रधानमंत्री की 6 साल की उपलब्धियां हैं, उनके उपलब्धियों का स्वागत है, लेकिन आज वैश्विक महामारी के कारण पूरा हिंदुस्तान परेशान है, उसकी अपनी तमाम समस्याएं हैं, तो जैसे पत्र का जवाब पत्र से दिया जाता है, तो जनता अपना दर्द पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को बताना चाहती है। जनता का दर्द ये है, जनता इस समय भुखमरी के कगार पे, जनता के ऊपर लगातार स्कूलों से फीस का दबाव बनाया जा रहा है, जनता की नौकरियों में लगातार छटनी हो रहा है, तो इस समय दुख की घड़ी है और पूरे प्रदेश में कोरोना को संघर्ष करने के लिए मेडिकली सुविधा इनके पास पर्याप्त नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल जनता का शोषण कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी उपलब्धियां आपको मुबारक, लेकिन मेरे दर्द में अगर आप शरीक हो सके तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे, क्योंकि ये पत्र हम लोग माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय दिल्ली में भेजेंगे, ताकि वो सब पत्र को पढ़ के जनता के दर्द में उनके साथ शरीक हो सके। रविकांत के मुताबिक वो देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अपनों का दर्द समझते हैं या नहीं, क्योंकि जो दुख में साथ नहीं रहा वो सुख में कैसे साथ रह सकता है। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।